हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है वीडियो व्यू। बेसिकली वीडियो व्यू के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो व्यू किस काम में आता है। वीडियो व्यू जिसमें हम कोई भी अपना वीडियो सॉन्ग या वीडियो मूवीज चला सकते हैं। तो आइए हम इसका देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम वीडियो ऐप के नाम से। अब वीडियो व्यू के लिए हमें सबसे पहले कोई भी वीडियो फाइल चाहिएगी। तो मैंने ऑलरेडी एक मिक फाइल यहाँ पर सेट कर रखी है और मैंने इसका नाम ए रखा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, रिसोर्स पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, रिसोर्स डायरेक्टरी। और हम एक यहाँ रॉ फोल्डर लेंगे। बेसिकली जो रॉ फोल्डर होता है वो कोई फाइल या पीडीएफ फाइल या इमेज फाइल या ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, इस फाइल के जो रॉ फोल्डर है, सॉरी, इसके अंदर हमने इस को पेस्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी मेन एक्सएमएल फाइल पे आएंगे और यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर हम एक लीनियर लेआउट लेंगे। ये हमने एक लीनियर लेआउट लिया और इस लीनियर लेआउट के अंदर हम सबसे पहले एक वीडियो व्यू लेंगे। ये हमने वीडियो व्यू लिया और इसकी विड्थ हमने फिल पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट रख दी और इसे हमने एक आईडी प्रोवाइड कर दी। अब एक काम करते हैं, हम इसको 200x200 dp रख दें, 200 dp, और मैं इसको दूंगा वीडियो आईडी। हमने इसको वीडियो दे दी और इसके नीचे एक बटन लेंगे। ये हमने एक बटन लिया और मैं इसकी विड्थ फिल पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट, हम क्या करते हैं इसकी विड्थ फिल पेरेंट ही रखते हैं। और अब यहाँ पर हम क्या, इसको एक आईडी देते हैं, मैं देता हूँ प्ले और इस पे टेक्स्ट मेंशन कर देता हूँ प्ले। और यहाँ पर हम इस ओरिएंटेशन देते हैं वर्टिकल। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम इसको 500 dp दे देते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा XML पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी पर और यहाँ पर वीडियो व्यू और बटन के लिए दोनों के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वीडियो व्यू का हम देते हैं मैं देता हूँ मूवी, ओके, या सॉन्ग, आप कुछ भी दे सकते हैं। और मैं एक बटन का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, बटन का मैं रखता हूँ प्ले क्योंकि ये प्ले करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को ही दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको जो XML विजिट है उनके साथ लिंक करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे मूव इक्वल्स टू, यहाँ पर वीडियो व्यू क्लास क्योंकि हम यहाँ टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, find you by id r.id. हमने हमारी जो ओके ये वीडियो नाम दिया हुआ दी वीडियो आईडी है सॉरी। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एज इट इज़ हम प्ले के लिए भी करेंगे, प्ले एक वस्तु बटन के लिए कास्टिंग फाइंड यू बाय आईडी r.id.play। अब हम क्या करेंगे, इस बटन पर लिसनर लगाएंगे ताकि हम इस बटन के क्लिक पे सॉन्ग को प्ले करवा सकें। तो यहाँ पर play.setOnClickListener, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब ये हमने अपने बटन पर सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक हमारा मेथड होती है, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, मूव
डॉट सेट वीडियो यू आर आई, मतलब हम पाथ प्रोवाइड करेंगे उसका, जो भी हमारा मूवी का या जो भी सॉन्ग है हमारा उसे हम पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमारे एक मेथड होती है सेट वीडियो यू आर आई, और इसके अंदर एक हमारी क्लास होती है यू आर आई, और उसके अंदर यू आर आई डॉट पार्स। अब इसमें हमें अपना पाथ प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए एक हमारा जो एंड्रॉइड का पाथ होता है एंड्रॉइड, और कॉलन, और इसमें हमारा होता है रिसोर्स, रिसोर्स रिसोर्स कॉलन, एक्चुअली यहाँ डॉट है सॉरी कॉलन फॉरवर्ड स्लैश डबल टाइम, देन यहाँ पर प्लस प्लस। अब यहाँ पर एक मेथड है हमारी गेट पैकेज, गेट पैकेज डॉट गेट पैकेज नेम फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पर हम पाथ प्रोवाइड करेंगे, कौन सा हमारी फाइल का आर डॉट किसके अंदर है रॉ फोल्डर के अंदर है, तो रॉ डॉट ए। अब हम क्या करेंगे इसको स्टार्ट करेंगे, तो मूव डॉट स्टार्ट, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले रहा है। बेसिकली ये थोड़ा सा जो फाइल के कारण ले रहा है, शायद फाइल बड़ी है हमारी। अब टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा लाइट वेट फाइल ही ले लीजिए, अगर आप इम्यूलेटर पे यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आप अपने रियल टाइम डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं या अपने फिजिकल डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो आप हैवी फाइल ले सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, प्ले पर क्लिक करता हूँ, ये शायद थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले रहा है। क्या हो रहा है सर, ये रन हो रहा है, शायद थोड़ा सा हीवी है उसकी, ये चल नहीं पा रहा है थोड़ा सा। बाकी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इम्यूलेटर में थोड़ा सा हीवी चलता है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ये था हमारा वीडियो व्यू, और नेक्स्ट सेक्शन में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।